भाषा पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में और ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर्स जा चुके हैं तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो, बिकॉज ये कंटिन्यूटी है इन सारे के सारे लेक्चर्स की जो कि इम्यूनोलॉजी के पोर्शन से इंक्लूड किए जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले ये जो वर्ड है इम्यूनिटी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग जो है जानना जरूरी होता है। तो अगर हम इन जनरल देखते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है या फिर आप कह सकते हो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है, लेकिन हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वॉट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट से। ओके, सो करेंटली वी आर अवेयर कि इम्यूनिटी क्या होती है, यानी अगर किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से जब हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है तो हम उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इसी इम्यूनिटी में दो पार्ट आते हैं, पहले को हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, फर्स्ट वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, देन वी विल टॉक रिगार्डिंग द एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी होती है यानी वो रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है जो कि सबसे पहले एक्टिवेट होती है। ओके, तो अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से एक्ट करती है, एक्ट अगेंस्ट पैथोजन। साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि ये एक ऐसी इम्यूनिटी नहीं है जो हमारी बॉडी में तब प्रोड्यूस हो जब हमारी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है, ठीक है, यानी ये इम्यूनिटी ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में प्रायर टू द एक्सपोजर प्रेजेंट रहती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है लेकिन एक्टिव तब होती है जब पैथोजन अटैक करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो फॉर्म ही तब होना शुरू होती है जब पैथोजन अटैक करता है। तो हम इनेट इम्यूनिटी के लिए ये कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट प्रायर टू द एक्सपोजर। सबसे मेन एम जो होता है इनेट इम्यूनिटी का वो ये होता है कि वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है इन्फेक्शन से फाइट करने में। सो वी कैन से दैट इट इज एम टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। साथ ही साथ ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की आप कह सकते हो इम्यूनिटी रिगार्ड की जाती है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में आप कह सकते हो कि बहुत बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जब से हम जन्म लेते हैं तभी से ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ द प्रिमिटिव टाइप इम्यूनिटी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि हमने लिखा है कि इट इज वेरी फास्ट इन एक्टिवेशन, मेनली देखा जाता है विद इन द आवर जो है इनका एक्टिवेशन हो जाता है, विद इन आवर्स ये जो है एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की मदद करती है पैथोजन से फाइट करने में। इसके साथ साथ देखा गया है कि इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा नॉन स्पेसिफिक बेसिस पे होता है। नॉन स्पेसिफिक बोलने का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक ना हो, जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि हमारी बॉडी में बहुत से अलग अलग टाइप के पैथोजन एंटर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि इनेट इम्यूनिटी एक टाइप के पैथोजन के लिए किसी और तरीके से रिस्पॉन्स करे और दूसरे टाइप के पैथोजन के लिए किसी और तरीके से रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है। ये बस इस चीज का ध्यान रखती है कि बॉडी में क्या कुछ बाहर से एंटर किया है और वो क्या एंटीजन की तरह है हमारी बॉडी के लिए, और अगर है तो वो जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, वो उनके खिलाफ आप कह सकते हो एक्शन करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके पास स्पेसिफिसिटी नहीं होती है उन एंटीजन को स्पेसिफिक बेसिस पे पहचानने की कि ये जो है एक्स टाइप का एंटीजन है, ये वाई है, ये जेड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक टाइप का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है जिसकी स्पेसिफिसिटी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए नहीं होती है, लेकिन इनका रिकॉग्निशन मतलब पहचानने की जो क्षमता होती है एंटीजन के लिए, तो इनका रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सो दे हैव फास्ट रिकॉग्निशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स चले आते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के मामले में, यानी हमारी बॉडी में होने वाले कौन कौन सी चीजें एज अ इनेट इम्यूनिटी या इनेट रिस्पॉन्स की तरह रिगार्ड होती हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स चले आते हैं, जैसे कि हो गया हमारी बॉडी में फीवर का होना, ठीक है, फीवर का होना इज अ टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स जो कि इनेट सेल जब काम कर रहे होते हैं उनकी वजह से होता है। साथ ही साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो इनेट सेल्स के रिस्पॉन्स में ही देखा जाता है, साथ ही साथ सेल्स का फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करना, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेट होना एंड और भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो मेक श्योर ये कहने को इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी है,
लेकिन हम जो है इसे टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं. इट इज द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. फाइन. अब इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जरा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं. हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, या कौन कौन से ऐसे बॉडी के ही मतलब अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट सेल्स हैं जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी बॉडी में सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल चला आता है इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर में, दैट इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर क्या करते हैं, लेट्स सी. तो फिजिकल बैरियर का यहाँ पे काम होता है बॉडी को जो है फिजिकली बेसिस पे प्रोटेक्शन देना. जैसे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्किन, वो क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्शन देती है. कैसे, बिकॉज हमारी स्किन के पास स्वेट ग्लैंड है, ठीक है. इसके अलावा प्रोटेक्टिव वॉल है वहां पे, इसके अलावा ऑयल ग्लैंड है. ये क्या करती है, ये सारे पैथोजन को हमारी बॉडी के बाहर रखने में मदद करती है, ठीक है. इसके अलावा हो गया आईज, ठीक है. आईज में क्या है, आई लिड है. जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज अगर हमारी आंखों में चली जाती है, छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी, तो हम आंखों को बंद कर लेते हैं. मतलब लाइक आर आई लिड इज फॉर द प्रोटेक्शन, राइट. तो आई लिड जो है प्रोटेक्शन देती है. साथ ही साथ जो टीयर्स है, ईयर के अंदर वैक्स का प्रेजेंट रहना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट रिस्पॉन्स, ठीक है. वो किसी भी चीज को हमारे ईयर के बहुत अंदर तक जाने से रोकता है, बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर. वो सारे डस्ट पार्टिकल को या कोई भी ऐसा एजेंट जो कि हमें बीमार कर सकता है, उससे वो बाहर ही स्टिक हो जाता है, ठीक है. इसके अलावा हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर, ठीक है. इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन. तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कहाँ देखी जाती है, ये आपको लाइनिंग के फॉर्म में जो है नोज, माउथ, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे ये देखने को मिल सकती है. अब अगर हम इस म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर और डिफाइन करना चाहें कुछ और एग्जाम्पल में, तो ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल में दिख सकते हैं. जैसे कि एक को हम कहते हैं माल्ट, ठीक है, जो कि हो जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. एक को हम बोलते हैं GALT, यानी गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. इसके अलावा हो जाता है BALT, जो कि होता है ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है. तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गए म्यूकस मेम्ब्रेन के. और इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट एसिड, ठीक है. स्टमक का जो एसिड होता है वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी एसिडिक नेचर. साथ ही साथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट गुड बैक्टीरियाज, ठीक है, वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है. गुड बैक्टीरियाज हो गए. ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए फिजिकल बैरियर का. फाइन. अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जिसको कि हम कहते हैं केमिकल बैरियर, ठीक है. केमिकल तरीके से हमारी बॉडी को कौन कौन से फैक्टर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, साथ ही साथ दोज आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. तो केमिकल बैरियर के मामले में इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे चले आते हैं. सबसे पहले अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे चला आता है बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स. इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अलग अलग एरिया का पीएच रेंज, ये सारी की सारी चीजें हेल्प करती हैं इनेट इम्यूनिटी बनाने में, ठीक है. अब अगर हम बात करें सेलुलर बैरियर की, ये तो था केमिकल बैरियर, अब हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर की, यानी सेल लेवल पे कौन कौन से बैरियर प्रेजेंट है. सेलुलर बैरियर में सबसे पहले चले आते हैं फैगोसाइट्स, ठीक है. फैगोसाइट्स जो होते हैं, दोज आर दी सेल्स जो कि इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं. जैसे कि हो गया मोनोसाइट्स, ठीक है, इसमें इंक्लूड हो गए मोनोसाइट्स हो गया, इसके अलावा मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल जिसे हम DC सेल कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स. इतना ही नहीं, और भी बहुत से हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो साइटोकाइंस, ठीक है. साइटोकाइंस जो होते हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेंसिंस, ठीक है, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, दीज आर डिफेंसिंस. इसके अलावा इंटरफेरन अल्फा एंड बीटा. इंटरफेरन अल्फा एंड बीटा मेनली प्रोड्यूस किया जाता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू, ठीक है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत से यहाँ पे पार्ट होते हैं, जैसे कि हो गया NK सेल्स, ठीक है, और भी इम्यून सेल्स हैं. NK सेल्स वो भी यहाँ पे एज इम्यून इनेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ईओसिनोफिल्स हो गए,
बेसोफिल्स हो गए, मास्ट सेल, ये सारे के सारे जो सेल्स हो गए वो पार्टिसिपेट करते हैं। इतना ही नहीं, सेल के सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी मदद करते हैं इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। जैसे कि एक हो गया PRR, इसे हम बोलते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इसके अलावा TLR, ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर। ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का, एज वेल एज ऐसे फैक्टर्स या ऐसे बैरियर जो कि हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। सो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है सेल इनेट इम्यूनिटी का, जहां से क्वेश्चन चले आते हैं, पहली बात की किस टाइप का रिस्पॉन्स है, जो कि हो गया नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है, कितनी देर में ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि ये फास्ट है या स्लो है, ये पूछ लेता है, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन से फैगोसाइटिक सेल्स इन्वॉल्व है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इंटरफेरॉन जो है, ठीक है, इंटरफेरॉन क्या इनेट इम्यूनिटी में आता है या नहीं, तो अल्फा एंड बीटा जो है यहाँ चले आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस PRR जो है किसका पार्ट है, TLR किसका पार्ट है, ऐसे भी क्वेश्चंस चले आते हैं। तो ये जहां जहां पे हाईलाइट किया है ये आपको ध्यान में रखना है, फाइन। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में कि वो क्या होता है एज वेल एज वो बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, एक और पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे तो ऊपर लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का भी एक्टिवेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और ये एक अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन भी एक इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, या फिर आप इसे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी कह सकते हो, ठीक है। इसको हम मेनली कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी ये एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एक्वायर्ड किया जाता है जन्म लेने के बाद, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो उसके बाद वो इसे एक्वायर करता है, वो इसे एडॉप्ट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर आप इसे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे पहले एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये काफी लंबा टाइम लेता है एक्टिवेट होने के लिए, सो इट टेक द लॉन्गर टाइम टू गेट इन एक्शन। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इट इज वेरी मच स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। लॉन्गर टाइम तो लेता है, लेकिन अगर हम इन केस अगर देखा जाए तो ये जो है लगभग डेज में टाइम ले लेता है, ठीक है, डेज में टाइम ले लेता है। पहली बार स्पेशली जो है ये 5 से 6 दिन का टाइम ले लेता है टू गेट इन एक्शन, इसलिए हमने कहा है कि लॉन्गर टाइम लेता है। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है उसके लगभग इतने टाइम बाद जो है इसका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज स्लोअर देन दी इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यूनिटी में देखा यह गया है कि इसके जो मेन सेल्स होते हैं दे मेनली रिलाइज ऑन बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट पे मेनली डिपेंडेंट होते हैं। यानी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के या एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो मेन प्लेयर होते हैं वो होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट, जबकि हमने इनेट के केस में देखा कि देर आर सो मेनी डिफरेंट सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ देखा जाता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। और स्पेसिफिक हमने इसलिए कहा क्योंकि डिपेंड करता है कैसा पैथोजन एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिसिटी में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करता है। ओके, इसके अलावा देखा गया है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, ये मेमोरी रखती हैं, यानी कौन सा पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक किया है इसकी मेमोरी इनके पास होती है। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब वो पैथोजन अटैक करता है ना, तब ये जो सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी अटैक करती हैं, यानी पहला जब इनका इनकाउंटर होगा किसी पैथोजन से तो ये बहुत स्लोली उसके लिए एक्ट करेगी, लेकिन दूसरी बार जब वही पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो ये कुछ मेली कुछ आवर्स का टाइम लेके ये तुरंत एक्ट कर जाती हैं। यानी पहली बार इनकाउंटरिंग में इनको 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जब दूसरी बार वही पैथोजन अटैक करेगा तो ये इतना लंबा टाइम नहीं लगेगी, तब वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है बिकॉज इनके पास मेमोरी सेल्स हैं जिन्होंने
इस बात का इंफॉर्मेशन रखा है कि पिछली बार कौन सा पैथोजन आया था और हमने उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स क्रिएट किया था। इसलिए जब दोबारा पैथोजन बॉडी में आता है तो तब रिस्पॉन्स देने में ये टाइम नहीं लगाती है। सो वी कैन से दैट दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू दी एंटीजन एज वेल एज दे एडॉप्ट देम सेल्फ इन अ बेटर वे सो दैट दे कुड रिकॉग्नाइज एलिमिनेट एंड रिमेंबर द इनवेडिंग पैथोजन एज वेल एज दे कैन क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आफ्टर दी री एंट्रिंग ऑफ द सेम पैथोजन। यानी फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं दिस इज अ पैथोजन जो कि बॉडी में एंटर कर गया है, ठीक है। अब इस पैथोजन को जो है मान लीजिए दिस इज अ एंटीजन। अब इस एंटीजन से क्या हुआ, इसका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इसकी एंट्री जो है बॉडी के अंदर हो रही है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, रिस्पॉन्स बाई एडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि बहुत ज्यादा स्लो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से यही एंटीजन वापस से बॉडी में एंटर करेगा फॉर द सेकेंड टाइम इसने बॉडी में एंटर किया है, तब क्या होगा, तब ये जो रिस्पॉन्स है एडेप्टिव इम्यूनिटी का, रिस्पॉन्स बाय एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, इट विल बी वेरी मच फास्ट। और इस फास्ट के पीछे का रीजन क्या है, इस फास्ट के पीछे का रीजन ये है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स, ड्यू टू मेमोरी सेल्स, ओके। तो ये किस केस में हुआ, ये हुआ एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में, अगर हम इसे AI कहें तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में। लेकिन अगर यही केस इननेट इम्यूनिटी के साथ होता तो इननेट इम्यूनिटी के लिए आई वर्ड यूज कर लेते हैं शॉर्टकट में। तो इननेट इम्यूनिटी में क्या देखा जाता है कि चाहे कोई पैथोजन एक बार अटैक करे या दूसरी बार अटैक करे, ठीक है, मान लीजिए दिस इज एंटीजन, चाहे कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा हो या सेकेंड टाइम अटैक कर रहा हो, देर इज अ नो डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इन केस ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। तब क्या होता है, सेल्स क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं, इनेट इम्यूनिटी में सेल्स रिस्पॉन्स करती हैं और फास्ट ही करती हैं, फास्ट एंड नॉन स्पेसिफिक। लेकिन जब सेकेंड टाइम अटैक होता है तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता, इस टाइम भी ये रिस्पॉन्स करती हैं, इस टाइम भी फास्ट एंड नॉन स्पेसिफिक करती हैं। यानी इननेट इम्यूनिटी के केस में जिसे हमने आईआई लिखा है, इसके केस में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता, चाहे एक बार पैथोजन एंटर करे वो या फिर 100 बार एंटर करे, एक ही इंटेंसिटी के साथ जो इननेट इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो हमारी बॉडी में एक्ट करते हुए देखा जाता है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के केस में देखा जाता है कि देर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट अटैक एंड द सेकेंड अटैक। सेकेंड वाले अटैक के टाइम में बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट अटैक, क्योंकि उनके पास मेमोरी हो गई है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो वैक्सीन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो वैक्सीनेशन होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में वेरी ऑब्वियस वैक्सीन दिया जाता है, और वैक्सीन क्या करता है हमारी बॉडी में, वैक्सीन हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक एज वेल एज एक लॉन्ग लिव्ड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो लॉन्ग लिव्ड। और इस तरीके से जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसके उसके लिए जो है जिस चीज़ के लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं उसके लिए हमारी बॉडी में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। यानी सीधी सी बात कहें तो यहाँ पर जो है एक टाइप के मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो मेमोरी सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जानते हैं कि अगर जिसके लिए हमें ट्रेनिंग मिली है, अगर इसी टाइप का पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो हमें पहले से ही रेडी रहना है। क्योंकि जब पहली बार अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी टाइम लगा देती है उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में, तब तक हमारी बॉडी में उस पैथोजन का हार्मफुल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में पहले से ही उसके लिए सेल्स जो है मेनली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स रेडी रहता है, यानी पहली बार वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीनेशन। इसलिए जब सेकेंड टाइम रियालिटी में उस टाइप का वायरस या उस टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी दोबारा से जब रिएक्ट करती है तो बहुत फास्ट करती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है प्रिवेंट हो जाती है। तो वैक्सीनेशन देकर पहले ये रिस्पॉन्स क्रिएट करवाया जाता है हमारी बॉडी में, लेकिन पहली बार रिस्पॉन्स क्रिएट होते ही हमारी बॉडी में अब मेमोरी सेल्स आ गए हैं, तो जब दूसरी बार एक्चुअल में कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन से बच जाती है। बिकॉज रिस्पॉन्स तुरंत हो जाता है तो हमारी बॉडी फाइट कर लेती है उस एडवर्स कंडीशन एज वेल एज एंटीजन से।
तो अगर हम यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं इन एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि बी सेल इन्वॉल्व है, ठीक है। बी सेल का ही एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होती है? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। ऑलरेडी एक क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इनका काम होता है एंटीबॉडी का सिक्रीशन करना। तो एंटीबॉडी सिक्रीट करने का काम होता है प्लाज्मा सेल्स का। साथ ही साथ बी सेल्स ही क्या करती हैं? बी सेल्स मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं, और यही मेमोरी सेल्स आगे चल के सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट टी सेल आते हैं, जो कि एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में मदद करते हैं। टी सेल की यहाँ पे कहानी क्या है कि टी सेल जो है यहाँ पे बहुत से टाइप के हो सकते हैं, लाइक टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसे हम टीसी कहते हैं, टी रेगुलेटरी सेल, ओके। ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। तो चाहे आप टी सेल बोलिए या टी लिम्फोसाइट बोलिए या बी सेल बोलिए या बी लिम्फोसाइट बोलिए, बात एक ही है। तो इसके इतने टाइप होते हैं और ये इस तरीके से काम कर सकता है। तो होता ये है कि कभी भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन किसी भी टाइप का देखा जाए तो दो चांसेस होते हैं। हो सकता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में वो खाली जो है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू ठीक हो जाए, ठीक है, यानी जो पैथोजन एंटर किया है इन्फेक्शन के लिए, हो ही सकता है कि वो पैथोजन एलिमिनेट हो जाए बाय इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। और साथ साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि खाली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स से वो एलिमिनेट ना हो और उसे जरूरत है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की भी एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की भी। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इट विल रिक्वायर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज इनेट इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एलिमिनेशन। तो अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं कि क्या ये दोनों एक साथ काम करते हैं या अकेले भी काम करते हैं, तो ये दोनों तरीके से काम करते हैं, मतलब कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पैथोजन एंटर किया, ठीक है, दिस इज अ पैथोजन बॉडी में, मान लीजिए ये पैथोजन एंटर किया, इस पैथोजन की एंट्री की वजह से क्या होगा, ये एंटीजन लिख लेते हैं, इस पैथोजन की एंट्री की वजह से क्या होगा, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स सबसे पहले एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सारे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स को एक्टिव कर देगा। सेल्स एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे, सेल्स एक्टिव होने के बाद वो कुछ केमिकल सिक्रीट करने लगेंगे, केमिकल्स कह सकते हो आप, और केमोकाइंस कह सकते हो, ठीक है, इनका सिक्रीशन हो जाएगा। अब इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से ऐसे भी हो सकता है या जो सेल एक्टिव हुए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, दोनों में से किसी की वजह से देखा ये जाएगा कि एज बिकॉज ये पहले एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये एक्टिवेट कर देंगे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, और ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स हुआ ये पैथोजन पे एक्ट करेगा, साथ ही साथ एडेप्टिव वाला भी एक्ट करेगा, और इस तरीके से करके इस एंटीजन का यहां से रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरीके से मेनली काम किया जाता है जब भी बॉडी में कोई पैथोजन आता है और उसको दोनों रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है टू गेट इट एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी। और अगर माइल्ड सा कोई इन्फेक्शन है जो कि खाली इनेट इम्यूनिटी की वजह से बॉडी से बाहर निकल सकता है, तो उसमें इनेट इम्यूनिटी को यूज कर लिया जाता है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर इन केस पता ना हो, वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगी ही, बट फिर भी एक चीज मैं बता देती हूँ। ये जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जो ये पैथोजन एंटर हुआ है ना, मतलब ये जो एंटीजन यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री लिया है और ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, इसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसे 1 डिग्री रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। और जब यही पैथोजन दोबारा से इम्यूनिटी क्रिएट करेगा तो हम इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, सेकेंडरी आप कह सकते हो और 2 डिग्री रिस्पॉन्स कह सकते हो। और हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में या 2 डिग्री रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स मेनली तरीके से काम कर रहे होते हैं, और आप भी जानते हो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स या सेकेंड टाइम का रिस्पॉन्स फास्ट इसलिए है बिकॉज वहां पे मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये एक मेरे पास डायग्राम है जिसमें कि आपको बहुत ही आराम से ये देखने को मिलेगा कि हाउ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ओवरलैपिंग मैनर में किसी भी पैथोजन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं, ये रहा पहला बैरियर, यानी ये रही हमारी स्किन,
ओके तो यहाँ पे इनेट एंड अडेप्टिव दोनों के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले आपको ये स्किन दिख रही है जहाँ पे आपको स्किन का एसिडिक पीएच नजर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो देखने को ये मिला कि दिस इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू, ये हो सकता है, यानी समहाउ ये हमारी बॉडी में एक बैरियर है जो कि पैथोजन को रोक सकता है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर टू द इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन जब होने वाला होता है तो सबसे पहला बैरियर यही होता है, यानी सबसे पहली रुकावट यही होती है। अगर पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर जाना है तो सबसे पहले उसको फिजिकल एंड केमिकल बैरियर को तोड़ना होता है। वो जब उसे ओवरकम कर जाता है या तोड़ देता है तभी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पैथोजन है या वायरस है, इसने जो है एंट्री ले ली है बॉडी के अंदर। आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ सेल्स आते हैं जो कि इसको इनकाउंटर करते हैं और इससे आकर बाइंड कर जाते हैं। अब इस सेल्स में ऐसा हो ही सकता है कि दिस सेल इज अ मैक्रोफाज, ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने इसको फैगोसाइटोस कर लिया है, या फिर ये डेंड्राइटिक सेल भी हो सकता है जो जिसने इसको फैगोसाइटोस कर लिया। बिकॉज डेंड्राइटिक सेल हो या मैक्रोफाज हो, बोथ आर एपीसी राइट, एज वेल एज बोथ आर फैगोसाइटिक सेल, तो इसे फैगोसाइटोस कर लिया है। तो दिस इज वॉट मेंशन हियर, इसका डिग्रेडेशन हो गया है एज वेल एज यहाँ पे जो है फैगोसाइटोसिस कर लिया गया है, एज वेल एज इसका डिग्रेडेशन शुरू हो गया है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने जो है सेल के साथ, इम्यून सेल के साथ बाइंडिंग कर ली हो, जिसकी वजह से अदर सेल का एक्टिवेशन शुरू हो गया हो। उस सेल ने क्या किया, उस सेल ने बहुत से साइटोकाइंस या केमोकाइंस को सिक्रीट किया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हुआ कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, यानी बॉडी में जहाँ पे ये पर्टिकुलर पैथोजन अटैक करेगा वहां पे रेडनेस आएगी, थोड़ा सा हीट फील होगा, वहां पे थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ा पेन होगा, ये सब चीजें इन्फ्लेमेशन में चली आती हैं। साथ ही साथ इस सेल के एक्टिवेशन की वजह से, जो कि एक्टिवेट हुआ है ड्यू टू दिस पैथोजन जिसने एंट्री ली है बॉडी में, इसकी वजह से कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो है सिक्रीट होंगे इफ इट इज माइक्रोब्स, ठीक है। उसके बाद जो है पैथोजन का एलिमिनेशन होगा। इतने ही नहीं, इस पैथोजन के एलिमिनेशन में जो है एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से तीन रूट आते हैं जब भी एक पैथोजन एंटर करता है, या तो एक नॉर्मल सेल के साथ, नॉर्मल जो इम्यून सेल है उसके साथ आके बाइंड कर जाए, या तो अगर वो वायरस है तो सीधी सी बात है, अगर वो वायरस है तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल बना लेगा, और अगर वो वायरस इन्फेक्टेड सेल बनाता है तो उस टाइम पे एनके सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, एनके सेल्स इन्फेक्टेड सेल को किल कर देगा, बिकॉज एनके सेल जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए रिस्पॉन्स देता है, और जिसकी वजह से एनके सेल्स के थ्रू इसकी किलिंग हो जाएगी इस सेल की, और ये पैथोजन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप कि चाहे साइटोकाइंस सिक्रीट हो या केमोकाइंस हो या फिर डेंड्राइटिक सेल हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक्टिवेट हुआ, इसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी सेल रिस्पॉन्स एज वेल एज बी सेल रिस्पॉन्स का एरिया यानी एंटीबॉडीज का एरिया है, तो ये जाकर उसको एक्टिवेट कर देंगे। यानी कहानी कहाँ से चली थी कि फिजिकल एंड केमिकल बैरियर जो कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है वो पहले एक्टिवेट हुए, उन्होंने फिर सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया जो कि अगेन इम्यून इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट था, एंड फाइनली उसने नेक्स्ट किसको एक्टिवेट किया, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें कि टी एंड बी सेल का एक्टिवेशन देखा जा रहा है। तो जब भी कोई पैथोजन इनकाउंटर करता है, डिपेंड करता है वो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है, उसके तीन रूट होते हैं। पहला रूट, या तो उसे इम्यून सेल इनगल्फ कर ले, ठीक है, इनगल्फ करने के बाद वो जो इनगल्फिंग सेल होता है वो मैक्रोफाज या डेंड्राइटिक सेल के थ्रू पास हो, ये रहा पहला रूट, ठीक है। सेकेंड रूट होता है कि या तो वो दूसरे सेल का एक्टिवेशन करवाए, और तीसरा रूट ये होता है कि अगर वो वायरस है तो उसे एनके सेल जो है मेनली एलिमिनेट करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक सेल एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ से सेल जब एक्टिवेट होगा तो इसके पास दो पाथवे होगा, या तो ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के पास पड़ जाए, या तो ये इन्फ्लेमेशन करवा के अकेले ही इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू बाहर निकाल दे। तो जो भी दो पाथवे, चाहे आप ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, ये दोनों पाथवे जब एक्टिवेट होते हैं तब जाकर बॉडी से जो है एलिमिनेशन होता है पैथोजन का विद द हेल्प ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि भले पैथोजन का एलिमिनेशन हो, लेकिन अगर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये भी पैथोजन के एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी इस डायग्राम का ओवरऑल जिस्ट क्या निकलता है, हम ये कह सकते हैं कि एडेप्टिव एंड इननेट
ये जो है एक ढंग से ओवरलैपिंग मैनर में काम कर सकते हैं। मतलब कि कोई एक एरिया ऐसा होगा जहां पे दोनों का एक्टिवेशन हो सकता है। अब ऐसा भी होगा कि पहले इनेट एक्टिव हो जाए, उसके बाद वो एडेप्टिव का एक्टिवेशन करवाए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये दो पाथवे से जो है एडेप्टिव का मेनली एक्टिवेशन हो जा रहा है। पहले से इनेट एक्टिव है, बाद में एडेप्टिव का एक्टिवेशन हो जा रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक पर्टिकुलर डायग्राम से आपको एक आइडिया मिला होगा कि इनेट पहले यहाँ पे काम कर रहा था, ये इनेट था, ये इनेट था, बाद में इसने एडेप्टिव को एक्टिवेट कर दिया। तो दिस हैज लीड टू दिस एक्टिवेशन एंड दिस हैज लीड टू दिस एक्टिवेशन। और इस तरीके से इनेट इम्यूनिटी फाइनली एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करके फाइनल जो रिस्पॉन्स होता है वो क्रिएट करती है, और फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि पैथोजन का एलिमिनेशन हो गया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कंसेप्ट है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। दोनों ही इम्यूनिटी के या दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स के आपको सेल्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे उसमें डायरेक्टली एडेप्टिव रिस्पॉन्स चला आएगा, इनेट रिस्पॉन्स चला आएगा। तो अगर आपको सेल्स के नाम नहीं पता है तो आपको उसे समझने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।